वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मेकअप मिस्टेक्स की जो जनरली हम मेकअप करते हुए कर जाते हैं या उन बातों पर कभी हमारा ध्यान नहीं जाता। आइए आज हम उन्हीं बातों को डिस्कस करते हैं। आज हमारे साथ हमारी मॉडल कंचन है। आज मैं इनके हाफ फेस पे वो मेकअप डेमोंस्ट्रेट करूंगी जो हमें करना चाहिए और दूसरी तरफ मैं वो चीजें डेमोंस्ट्रेट करूंगी जो गलतियां हमसे जनरली हो जाती। तो आइए शुरू करें। सबसे पहला स्टेप है मॉइस्चराइजिंग। जब भी हमें मेकअप स्टार्ट करना है, मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमें स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है। अगर स्किन मॉइस्चराइज नहीं होगी तो कभी भी आपका बेस वो नेचुरल लुक नहीं मिलेगा आपको जो आप बेस से आप चाहते हैं। हम इस तरफ मॉइस्चराइज कर रहे हैं स्किन को और हमने दूसरी तरफ मॉइस्चराइज नहीं किया। सबसे पहला स्टेप है कलर करेक्शन। अगर हमें स्किन में बेस बनाना है तो बेस से पहले हमें चाहिए कलर करेक्शन। मैं कंचन के फेस के लिए येलो कलर करेक्टर यूज कर रही हूँ। येलो कलर करेक्टर हम सिर्फ वहां यूज करेंगे जहां पर हमें थोड़ा सा डिस्कलराइजेशन दिख रहा है, हल्का सा फॉरहेड पे, हल्का सा अंडर आईज के नीचे, थोड़ा सा लिप्स के आसपास। अब ब्लेंडर से जो कलर करेक्टर हमने लगाया था उसको हम ब्लेंड कर रहे हैं। कलर करेक्शन के बाद जो हमें बेस शेड चूज करना है, जनरली हम ऐसा सोचते हैं कि जो हम बेस कलर लगा रहे हैं अगर हम बहुत ज्यादा व्हाइट ले लेंगे या बहुत ज्यादा स्किन टोन से ज्यादा फेयर ले लेंगे तो शायद हम ज्यादा फेयर लगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब मैं इस तरफ जो कंचन की स्किन टोन के अकॉर्डिंग है मैं वो फाउंडेशन यूज करूंगी और एक तरफ मैं ऐसे फाउंडेशन लगाऊंगी जो ज्यादा फेयर कलर के। हम जो इस तरफ फाउंडेशन लगाने वाले हैं वो सिर्फ एक शेड लाइटर चूज करेंगे। जो भी हम बेस लगाएं वो जरूरी है कि हमारे जितने भी ओपन एरियाज हैं उसके ऊपर भी लगाएं, कानों पे, नेक लाइन पे, नेक एरिया पे अच्छे से सेम बेस लगना चाहिए। चेहरे के दूसरी तरफ लाइटर कलर का फाउंडेशन लगा रहे हैं। तो जनरली हम जो मिस्टेक करते हैं ज्यादा फेयर दिखने के लिए हम ज्यादा लाइट कलर का फाउंडेशन चूज करते हैं। बेस देख रहे हैं बहुत अच्छे से स्किन में ब्लेंड हो गया है और इस तरफ का बेस बहुत ज्यादा व्हाइट नजर आ रहा है बिकॉज हमने बहुत फेयर शेड लगाया है। सेकेंड मिस्टेक इज टू मच एप्लीकेशन ऑफ अ लूज पाउडर। जब हम बहुत ज्यादा लूज पाउडर लगाते हैं तो हमारा जो बेस है वो बहुत ज्यादा केकी, बहुत ज्यादा पाउडरी नजर आता है। तो कभी भी लूज पाउडर उतना ही लगाएं जितना आपको बेस को सेट करने के लिए जरूरी है। जब हमारी स्किन ड्राई होती है और हम बहुत ज्यादा लूज पाउडर लगा रहे होते हैं तो स्किन और ज्यादा ड्राई हो जाती है। जब हम कंटोरिंग करते हैं और हम बहुत डार्क कलर का चॉइस करते हैं, इस तरफ डार्कर कलर यूज करने वाली हूँ फॉर कंटोरिंग और इस तरफ मैं सिर्फ एक शेड डार्क यूज करने वाली हूँ फॉर कंटोरिंग। यू कैन सी द डिफरेंस।
नेक्स्ट मिस्टेक इज द हाइलाइटर. हाइलाइटर जो हमें चूज करना है, हमें वो भी स्किन टोन से, जो भी हमने बेस चूज किया है उससे एक शेड लाइटर यू चूज करना है. बहुत ज्यादा लाइट अगर हम चूज करते हैं तो हमारा फेस थोड़ी देर बाद ग्रे हो जाता है. हमने बहुत ज्यादा लाइटर कलर चूज किया है हाइलाइटिंग के लिए. और दूसरी तरफ हम चूज कर रहे हैं सिर्फ एक शेड लाइटर. ब्लश ऑन. अब कंटोरिंग के बाद अगर हमें चीक्स पे ब्लश ऑन करना है तो वो कैसे करना है? जनरली हम अपने जो एप्पल ऑफ द चीक्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा ब्लश करते हैं या बहुत ज्यादा रेड कर देते हैं या बहुत ज्यादा ब्राउन कर देते हैं, वो भी बहुत गलत. मिनिमम इज द बेस्ट. जितना भी आप प्रोडक्ट लगाएं वो कम से कम लगाएं. नेक्स्ट मिस्टेक इज जब हम आईब्रो फिलिंग करते हैं और हम बहुत ज्यादा उसको डार्क कर देते हैं. मिस्टेक इज द हाइलाइटर. जब हम बहुत ज्यादा हाइलाइटर का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है? जब हम लिप लाइनिंग बहुत डार्क कर देते हैं और हम लिप के आउटलाइन के बाहर जब हम लिप लाइनिंग बनाते हैं, दैट लुक्स वेरी बैड. हमें लिप लाइनिंग उतनी ही बनानी है जितनी हमारे लिप्स हैं और उसको बहुत अच्छे से लिपस्टिक के साथ ब्लेंड करना है.